आज अपन निसान से नहीं चला रहे भाई, ठीक है 2012 मॉडल है ये, X5 डीजल मैनुअल, ओके। तो अपन देखेंगे इसका पूरा सर्विस मेंटेनेंस क्या रहता, एंड माइलेज का बात अपन आखिरी में करेंगे। एंड यार गाइस, बिफोर गोइंग फॉर अ टेस्ट ड्राइव, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज, वी कीप पोस्टिंग बेस्ट यूज्ड कार डील्स इन हैदराबाद। चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। व्हाट्स अप गाइस, आज अपन निसान सनी चला रहे। सो दिस पर्टिकुलर बेबी इज अ 2012 मॉडल, कम्स विद अ डीजल इंजन। अपने को इसमें 4 सिलेंडर का डीजल इंजन मिलता है भाई, 1500 सीसी का, कम्स विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन। दिस इज अ टॉप एंड मॉडल, XV मॉडल बोलते हैं अपन, टॉप एंड मॉडल जो अपना डीजल मॉडल है निसान सनी का, दिस इज अ टॉप एंड मॉडल। तो बैक इन द डे मार्केट में इसके कंपटीटर्स कौन कौन थे बोले तो, अपनी जो वोल्सवैगन की वेंटो हो गई, होंडा सिटी हो गई, स्कोडा रैपिड हो गई, मारुति सुजुकी सियाज हो गई, हुंडई की वर्ना हो गई, अपनी जो मिड साइज सेडान है इंडियन सेगमेंट में, वो सेगमेंट में कम्पीट करती थी ये गाड़ी। एंड निसान सनी हैड एडवांटेज ओवर द बैक सीट पैसेंजर, जो अपना पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स है वो लोगों को स्पेस ज़्यादा है, लेग स्पेस एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू हेड स्पेस। सो निसान सनी हैज एडवांटेज यू नो ओवर द कॉम्पिटिशन, एंड इट कम्स विद 1500 cc इंजन। तो द टॉर्क इज ऑलवेज रेडी टू ऑफर, कमिंग टू द फीडबैक, आपको मजा आएगा गाड़ी चलाने में, बीन अ डीजल एंड ऑल्सो मैनुअल, द टॉर्क इज ऑलवेज रेडी टू ऑफर एट योर फीट। सो आपको ऐसा पुश होना, सडन ओवरटेक करना है तो इट इज़ प्रिटी फन टू ड्राइव एंड ऑल्सो प्रिटी फ्यूल इकोनॉमिकल। अब सिटी में आराम से आपको 12 किलोमीटर का एवरेज मिल जाता, एंड हाईवे पे ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 18-19। एंड या गाइस, एज आई ऑलवेज से, नो कार इज मेंटेनेंस फ्री, बी दैट निसान, बी दैट BMW, बी दैट वोल्वो, बी दैट टोयोटा, बी दैट होंडा, बी दैट हुंडई, बी दैट स्कोडा, बी दैट वोल्वो, बी दैट मर्सिडीज, बी दैट एनी अदर ब्रांड, एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू गिव द एसेंशियल्स द कार नीड्स, अदरवाइज गाड़ी मेंटेन नहीं होती लॉन्ग टर्म में, एंड विल गिव यू प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन। एंड यार गाइज, एज ऑलवेज से, आपको पार्ट्स एंड सर्विस के लिए कंपनी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, निसान तो चल ही गया इंडिया से, अभी आप अपने पास आ सकते हैं डायरेक्टली अपने गैराज पे पार्ट्स एंड सर्विस के लिए। वेयर वी प्रोवाइड जेन्युइन पार्ट्स एंड सर्विस, ठीक है, गॉड फॉरबिड आपको कोई पार्ट फेल हो गया, अपने पास वो रेडीली अवेलेबल रहता, सो नी नॉट वरी अबाउट द पार्ट्स, अपने पास वो अवेलेबल रहता। चलो इसके जनरल सर्विस और मेंटेनेंस का बात कर लेंगे अभी, लेट्स गो। निसान से नहीं चला के आए अभी, ठीक है, 2012 मॉडल है ये, कम से कम 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो आती, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर जनरल सर्विस। तो फॉर एवरी 10,000 किलोमीटर्स योर जनरल सर्विस कॉस्ट विल कम आउट टू बी 5,200 रुपीज भाई, आपका ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, कूलेंट टॉपअप जो भी होता 5,200 रुपीज में होता हो, ओके। नाउ मूविंग ऑन, इसके ब्रेक पैड्स, फ्रंट एंड रेयर ब्रेक पैड्स विल कॉस्ट यू अराउंड 2,500 रुपीज भाई, आपका आगे का ब्रेक पैड अलग रहता, पीछे का ब्रेक पैड अलग रहता, तो इसके ब्रेक पैड सेट विल कॉस्ट यू अराउंड 2,500 रुपीज, ओके। नाउ मूविंग ऑन, इसका टायर 185/65 R15 इंचेस के टायर चाहिए, तो इस न्यू टायर विल कॉस्ट यू अराउंड 5,500 रुपीज भाई, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी आप कौन सा ले रहे हैं, अपोलो हो गया अपना, मिशलिन हो गया, ब्रिजस्टोन हो गया, MRF हो गया, थोड़ा 200-300 रुपये ऊपर नीचे होता, 185/65 R15 इंचेस का टायर चाहिए, ओके। नाउ लास्टली कमिंग टू इसका बैटरी साइज, 50 एम्पायर की बैटरी चलती भाई, ठीक है, 50 एम्पायर एक्साइड ले रहे, आम रन ले रहे, 5,800 रुपीज की बैटरी है, ओके। तो यार गाइस, दैट वाज द मेंटेनेंस एंड जो अपना जनरल सर्विस कॉस्ट था निसान सनी का। नो कमिंग टू द माइलेज, देखो भाई बिना ना अच्छी सेडान है, स्पेस है, तो ऐसा नहीं है कि आपको माइलेज नहीं देती, बिना डीजल इंजन एंड मैनुअल ट्रांसमिशन सिटी में आराम से 11-12 मिलता रहता, एंड हाईवे पे मैक्स टू मैक्स 17-18 उससे नहीं देती है गाड़ी। एंड यार गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर यू नो, आपको एक अच्छी स्पेशियस सेडान चाहिए टाइट बजट में, यू आर लुकिंग फॉर अ टाइट यू नो टाइट बजट में आप स्पेशियस सेडान देख रहे फैमिली के लिए, यू कैन कम टेक अ लुक एट द कार, इट्स अ लॉट ऑफ स्पेस एट द बैक, और सामने भी आपको जब लंबे लोग हो गए या फैमिली हो गए आपकी, बहुत स्पेशियस कार है। और क्या बोलते हैं, आप अगर आप पहले के वीडियोज नहीं देखे वो भी देखो, आपको एक सर्विस और मेंटेनेंस का आइडिया हो जाता है गाड़ियों का क्या रहता। एंड ऑल्सो गाइज, फॉर पार्ट्स एंड सर्विस आप अपने गैराज पे आ सकते हैं डायरेक्टली, यू नीड नॉट गो टू द कंपनी फॉर पार्ट्स एंड सर्विस, गॉड फॉरबिड आपको कोई पार्ट फेल हो गया वो अपने पास रेडीली अवेलेबल रहता, एंड ऑल्सो फॉर सर्विस यू कैन कम एट आवर गैराज। चलो सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।